दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक और विधायक पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगा है। आरोप है कि पालम से विधायक भावना गौर की डिग्री फर्जी है। भावना गौर पर चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री के बारे में अलग अलग जानकारी देने का आरोप है। 2013 के चुनावी हलफनामे में भावना गौर ने खुद को 12वीं पास बताया था, जबकि 2015 के हलफनामे में खुद को बीए बीएड बता दिया। और अब सवाल यह है कि सिर्फ 2 साल में भावना गौर ने बीए और बीएड दोनों कर कैसे लिया। विधायक भावना गौर की डिग्री को लेकर दिल्ली के द्वारका कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लायक मान लिया है। 25 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है। ये हम लोगों के खिलाफ कोरे षड्यंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक संस्कारित परिवार की लड़की हूँ, एक ईमानदार पार्टी के लोग हम हैं। मेरे पास में बीए की डिग्री है, मेरे पास में बीएड की डिग्री है, और आप चाहें तो ऑन कैमरा भी मैं दिखा सकती हूँ। ये मेरी बीए की डिग्री है जो मैंने जीजस एंड मैरी कॉलेज नॉन कॉलेजिएट से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और ये मेरी बीएड की डिग्री है जो मैंने दयानंद महर्षि यूनिवर्सिटी से बीएड की है, ये उसकी डिग्री है। और ये दोनों चीजें मेरे पास में है, बाकी कोर्ट जो मेरे से पूछेगा मैं कोर्ट में जवाब दूंगी। डेफिनेटली मेरी पार्टी अवगत है, सबसे बड़ी ताकत तो मेरी पार्टी से है, मेरी पार्टी मेरे पे विश्वास कर रही है। और जहां तक बार बार आप मेरी बातों को उछालते हो कि डिग्रियां फर्जी है, मैं कहती हूँ स्मृति ईरानी को जेल भेज दो, मैं भी जेल जाने को तैयार। भेजिए आप उसको जेल, मैं जाऊंगी जेल। अगर मैं गलत होंगी तो डेफिनेटली मैं जेल जाने को तैयार हूँ, और कोर्ट का जवाब मैं कोर्ट में खड़े होकर के दूंगी। पालम से विधायक भावना गौर को आपने सुना जो कह रही हैं कि ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। लेकिन भावना गौर से पहले दिल्ली सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर भी फर्जी डिग्री रखने के आरोप में फंसे थे, और इस वक्त जितेंद्र तोमर जेल में हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, एक तरफ दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर जो इस वक्त जेल में हैं, और दूसरी तरफ एक और विधायक पर आरोप है कि 2 साल में बीए और बीएड दोनों डिग्रियां उन्होंने कैसे हासिल कर ली। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, 2 साल में बीए बीएड अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है, कैसे ये बीए और बीएड की डिग्री 2 साल में मिल गई भावना गौर को? देखिए, कहीं ना कहीं संसदात्मक जो संदेशात्मक स्थिति बनी हुई है बरकरार है, क्योंकि जिस हिसाब से बार बार अगर तोमर के मामलों को ले, बार बार तोमर भी कहते थे कि उनकी डिग्री सही है, वैसे ही भावना गौर भी कह रही है कि देखिए मैं जो जवाब दूंगी वो सीधे कोर्ट में दूंगी, क्योंकि कोर्ट में जो मामला आया है अब कोर्ट में जाकर करूंगी, क्योंकि साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी से जो मेरी बात हुई प्रवक्ता से, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि देखिए भावना गौर की जो डिग्रियां हैं वो सही हैं, क्योंकि जो उन्होंने पहले फॉर्म फिलअप किया था उसमें एक डिग्री उनसे मिस हो गई थी, कहीं खो गई थी, इस वजह से उसका उल्लेख नहीं किया था, और इस बार जो उनको मिल गई इसने उल्लेख किया है। लेकिन फिर वही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 2 साल में दोनों डिग्रियां कैसे हो गई, कैसे पाई गई, अभी भी सवाल बरकरार है। लेकिन भावना गौर जो है अभी भी कुछ भी मीडिया से बात करने के लिए साफ इंकार कर, उनका कहना है कि जो भी मामला है अब मैं कोर्ट में जाकर अपना बयान दूंगी, जो भी पक्ष होगा अपना कोर्ट में जाकर सफाई दूंगी। तान्या, बिल्कुल अजीत, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो भावना गौर कह रही हैं कि कोर्ट मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं कोर्ट में जरूर जवाब दूंगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक साजिश है और कुछ भी गलत मेरी डिग्रीज में नहीं है।